पहुंच गए मार्स ग्रह पर उतरने वाले पहले इंसान। पर अभी तक हम लोग मार्स पर उतरे नहीं हैं। नहीं, पर अभी उतरने वाले हैं। ये मार्स तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। हाँ सच में, पता नहीं इसे एंग्री रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं। यहाँ तो कोई मॉन्स्टर नजर नहीं आ रहा। मैं तो चाह रहा था किसी मॉन्स्टर से दो दो हाथ हो जाते। ये तो तुम्हारी पत्नी के साथ शॉपिंग करने से भी ज्यादा बोरिंग है। कुछ खास घूमने लायक जगह नहीं है। जैसा कि हमने सोचा था, बिल्कुल सुनसान जगह है। तो मार्स ग्रह पर पहले कौन उतरेगा? तुम। मुबारक हो। अच्छा मजाक था। अजीब बात है, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, सालों तक अनुसंधान और प्रशिक्षण होते रहे, सिर्फ एक छोटे से सवाल का जवाब पाने के लिए। क्या हम अकेले हैं? फिलहाल तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्यों? नहीं, मेरा मतलब इतने बड़े स्पेस में सिर्फ इंसान अकेला ही है। क्या हमें कोई और जीव नहीं मिलेगा इस गैलेक्सीज में जो हमारी सोच से परे है? इन गैलेक्सीज के समूह के गुच्छों में और गुच्छों के गुच्छों में जो बहुत तेजी से एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, क्या इनमें सिर्फ इंसान है? और असल में इंसान है क्या? बस मैं बताता हूँ, हम कुछ भी नहीं है। बस एक आम से गैलेक्सी के कोने में एक छोटे से तारे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कुछ उपग्रहों में से एक उपग्रह की त्वचा पर हाल ही में उभरी हुई पपड़ी है जो हजारों तारा समूह के गुच्छों में से एक गुच्छा है, जिसका जन्म 15,000 करोड़ साल पहले एक ऐसी असाधारण घटना के बाद हुआ था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सही कहा। यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, अगर तुम्हारा यही मतलब था तो। नहीं, शायद उस सवाल का जवाब मिल चुका है। अब चलो यहाँ से।
उबू, चुप रहो। अजनबियों को लेजर गन से डराना अच्छी बात नहीं होती। बेब, क्या मिला है तुम्हें? तुम्हें इस अजीब से जीव को देखकर क्या लग रहा है ग्रॉब? ये आसपास के रहने वाला तो नहीं लगता। शायद ये काफी स्वादिष्ट होगा। हाँ, ये सही तरह की चटनी में मिलकर मंगलू बादशाह के लिए अच्छा शाही खाना बन सकता है। नहीं, ना समझो, ध्यान से देखो, क्या इसकी सूरत उस आकृति से नहीं मिलती जो प्राचीन नामावली में बनी है? अरे मैं भी यही कहने वाला था, ग्रॉप सही कह रहे हैं, इसकी सूरत बिल्कुल ग्रेट ग्लूप जैसी है। प्लैनेस 9 से आया वो बहादुर तेज दांतों वाला जी, जिसके बारे में लिखा गया है कि वो हमारे लोगों की किस्मत चमका देगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ये तो एक प्यारा सा एलियन है बस। बिल्कुल समझ गया, इसका मतलब वो प्राचीन भविष्यवाणियाँ सही हैं। कितनी खुशी की बात है, आखिर ग्रेट ग्लूप आ चुके हैं। अगर ऐसा है तो इन्हें वापस महल में ले जाकर इनका सम्मान करना चाहिए। देखो मुझे